हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा टाइफू नो नारुडा। टाइफू नो नारुडा इस एनिमी, ये जो एनिमी है, इस एनिमी का जो स्टोरी बेस और ड्रामा स्कूल के आसपास के ऊपर बेस है। तो ये जो एक इसके अंदर जो स्टोरी है उसमें ये बताया जाए कि स्कूल में फंक्शन चालू होने वाला होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेसबॉल खेल रहा था, पर वो बेसबॉल की टीम को छोड़ देता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई कर लेता है। अब इस लड़ाई में ये होता है, वो अकेला रहता है, गुस्से में शराब करा करके रहता है, समझ। तो इसमें एक लड़की तो होती है नारुडा, तो पता नहीं कैसे कनेक्शन रहता है टाइफून के साथ। जो टाइफून आ रहा है वो उसी के कारण है, और सेंटर में खोल भी हो जाता है, वो किसी को नहीं पता कैसे पर हो जाता है। तो उसको ये सब रोकना होता है। अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो अगर पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी। जो ये मूवी ना, ये सिर्फ 26 मिनट की, ये ज़्यादा बड़ी मूवी भी नहीं है, समझ लो कि आधा घंटे के शॉट के बराबर और कुछ नहीं, सिर्फ 26। बस इसलिए ये मूवी अभी जरूर।